ग्राउंड यहाँ पे 1.8 वोल्ट और प्रोसेसर ठीक है और ये कनेक्टेड है ओके। अब यहाँ 5 वोल्ट की जरूरत है हमें, लेकिन 5 वोल्ट स्टैंड बाय कंडीशन में नहीं, क्योंकि स्टैंड बाय कंडीशन में यहाँ पर 5 वोल्ट होंगे। क्यों 5 वोल्ट होंगे? क्योंकि पावर ऑन वोल्टेज जो है वो ये 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, बेस पे भी, कलेक्टर पे 0 वोल्ट होगा, तो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फ्लो होगा है? वोल्टेज फ्लो नहीं होगा ना, तो 5 वोल्ट पड़े रहेंगे ना इधर, ये 5 वोल्ट इधर आएंगे गेट पर। एक्चुअली पी चैनल मॉस्फेट को नेगेटिव स्विच चाहिए 0 वोल्ट, तो यहाँ 5 वोल्ट है, तो क्या सोर्स से ड्रेन वोल्टेज फ्लो होगा? ये शॉर्ट हो पाएगा? नहीं होगा, तो ये 5 वोल्ट है ठीक है। अभी पावर ऑन हमने रिमोट की दबाई ठीक है, की दबाने पर यहां पर 3.3 वोल्ट हो गए ओके, और यहां पे 0.6। अब ये 0.6 वोल्ट से यहां से कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फ्लो हो जाएगा, तो 5 वोल्ट में क्या बचेगा? 5 वोल्ट तो निकल गए ग्राउंड की तरफ, ये 5 वोल्ट निकल गए, यहाँ क्या बचेगा? जीरो हो जाएगा। अभी ट्रिगर कर जाएगा सोर्स टू ड्रेन, वोल्टेज फ्लो होके यहाँ आ जाएगा ठीक है, समझ में आ गया? फंडामेंटल टू यूज दिस ट्रांजिस्टर, क्यों ये ट्रांजिस्टर यूज किया है, यही टेक्निक पावर सप्लाई में भी आईसी को स्विच करने के लिए यही टेक्निक है। पावर सप्लाई में जो आईसी पे वोल्टेज, जैसे पीएफसी सर्किट है उसकी ड्राइव आईसी को वोल्टेज नहीं मिलता पहले, तो उसको कैसे वोल्टेज मिलता है, तो टेक्निक यही है ठीक है। ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है बीच में, उसमें वोल्टेज देने के लिए उस आईसी पे वायर ट्रांजिस्टर। इन्वर्टर सर्किट के लिए भी सेम ऐसा, सेम टेक्निक, सभी बैकलाइट ऑन, टिकॉन ऑन, और ये पावर ऑन ठीक है। तो ये टिकॉन ऑन के लिए भी यही है, अब मैं ये यही सर्किट को टिकॉन ऑन में कन्वर्ट करूं। अब ये टिकॉन ऑन समझ लो आप ठीक है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर की दूसरी पिन से एक वोल्टेज निकलता है टिकॉन ऑन। अभी ये 0 वोल्ट है ठीक है, यहां पर 12 वोल्ट हो गया, यहां 12 वोल्ट हो गया ठीक है स्विचिंग लाइन के। अब ये 12 वोल्ट 0 वोल्ट है, यहाँ पर 12 वोल्ट यहाँ आ गए, यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही हूँ, ये 0 है, तो यहाँ कितना रहेगा? 12 वोल्ट ठीक है, गेट पे 12 वोल्ट है। अभी यहाँ 0 से 3.3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6। कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फ्लो हो गया, तो 12 वोल्ट सीधे ग्राउंड में चले गए, तो यहाँ कितना बचा? 0। तो ये 12 वोल्ट टिकॉन में जाएंगे ठीक है, फ्यूज में, टिकॉन की फ्यूज। पता था सभी को ये कैसे? पता था। लेकिन ये सर्किट मैंने ट्रेस करके बनाई है, कोई सर्किट डायग्राम का कभी यूज नहीं किया, हर एक रजिस्टर की वैल्यू तक ट्रेस करके। 90 जनरेटर में सेम सर्किट है। फंडामेंटल देखो सब सेम है, बस खाली पावरिंग लाइंस चेंज हो गई आपकी। यहाँ पर वहाँ पे HVCC को ऑन ऑफ करते थे, और यहाँ पर सभी सप्लाई बंद रहती थी, उसमें सभी सप्लाई चालू रहती थी, 5 वोल्ट भी आ रहे हैं पावर सप्लाई से, 12 वोल्ट भी निकल रहा है, 110 भी निकल रहा है, सभी सप्लाई चालू। तो फंडामेंटल तो अभी भी वही है जो सर्किट लाइंस ठीक है। देखिए पावर ऑन के लिए ये सर्किट सेम ही है, मतलब सर्किट अलग अलग बनी हुई है, मैं ये एक ही सर्किट से दोनों समझा रहा हूँ, दोनों में तरीका एक ही है,
इसमें अभी जैसे अभी हम पावर ऑन पहले होता है, फिर टिक ऑन ऑन मतलब 12 वोल्ट यहाँ प्रेजेंट होगा, उसके बाद बैकलाइट ऑन सिग्नल प्रोसेसर से निकलेगा, मतलब सीरीज ऑफ सिग्नल में पहले स्टैंड बाई वोल्टेज प्रोसेसर में जाएंगे, प्रोसेसर और फ्लैश आईसी के बीच में कम्युनिकेशन लाइन ओपन हो जाएगी, उसके बाद रिमोट फंक्शन करना लगेगा, रिमोट में पावर की दबाने पर पावर ऑन वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट होगा जो कि प्रोसेसर से निकलेगा, यहाँ आएगा, ये 3.3 से यहाँ 0.6 वोल्ट रजिस्टर के दूसरे एंड पे, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट यहाँ ट्रांसफर होगा, कलेक्ट सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज लो हो जाएगा, ठीक है, और वो पहुंच जाएगा 5 वोल्ट के रेगुलेटर में, 1.8 वोल्ट आउटपुट मतलब इसमें प्रोसेसर में, ठीक है, इस पे 0 वोल्ट से आएगा तो क्या यहाँ पर ये 0 वोल्ट होगा ना, तो क्या होगा कि ये अभी देखो ये ऑफ है, ट्रांजिस्टर ऑफ पीरियड में, ऑफ पीरियड में यहाँ पर बीच में गैप है, मतलब ये वोल्टेज फ्लो होने के बीच में ओपन सर्किट है, कलेक्टर और एमिटर के बीच का लिंक ओपन है 0 वोल्ट पे बेस पे, जैसे ही यहाँ 0.6 वोल्ट आएगा ये ओपन लिंक शॉर्ट हो जाएगी, तो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फ्लो कर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये वोल्टेज 0 रहेगा और यहाँ पर सोर्स टू ड्रेन शॉर्ट हो जाएगा, ये अंदर डायोड है, ऐसे डायोड होता है मॉस्फेट में, सर 0.6 वोल्ट है, दैट इज एनेबल वोल्टेज राइट, या दिस इज एनेबल वोल्टेज, हाउ It will come from processor. Okay? When you switch on the power key of remote or IR or keypad. Okay? अब हम दूसरे अलग अलग सर्किट्स को सर्किट डायग्राम से समझते हैं।